संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रोशमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों एवं निजी दाताओं द्वारा किया जाता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं। यूनिसेफ के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं में विकसित करने पर जोर देते हैं। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और यह HIV, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, माताओं के लिए टीके जैसे आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। 36 सदस्य कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है। इनके सदस्य आमतौर पर 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियां 38 देशों में हैं तथा इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है। राष्ट्रीय समितियां सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती हैं। यूनिसेफ दुनिया भर के 191 देशों में और क्षेत्रों में मौजूद है। यूनिसेफ के लिए अमरीकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इसका वर्तमान अध्यक्ष कैथरीन रसेल हैं।